हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे सिलेबस का यूनिट 4 है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, आज हम उसी पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करें। और आप लोगों को जानकारी देनी थी कि यदि आप इच्छुक हैं सहायक शिक्षक के लिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में जा करके एनरोल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, जो है 9584532690। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें, जहां हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। टॉपिक क्या है हमारा, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप भी साथ में उत्तर देते हुए चलिएगा। और जहां कहीं भी आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में कमेंट करके और चैट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा, लेकिन साथ में आंसर आप अपने मन में देते हुए चलिए, फिर चेक कर लीजिए कि क्या आप सही हैं या नहीं। ठीक, पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व हैं श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, सहकारिता। बताइए सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व क्या होते हैं, क्या होते हैं बाधक तत्व सामाजिक विकास के मार्ग में। सामाजिक विकास के मार्ग में यदि कुछ बाधक तत्व है वो है सांप्रदायिकता। क्या है बाधक तत्व, सांप्रदायिकता, यानी कि संप्रदाय में पूरा बट जा रहे हैं, तो वो सामाजिक विकास के मार्ग में क्या अच्छी बात है, नहीं है, तो सामाजिक विकास में वो बाधक मानी जाती है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, ये कहाँ से आया, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र भी आता है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ये सभी चीजें बताई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है, क्रिएटिव मेथड आपसे पूछा गया है। ठीक है, गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, रेखा चित्र बनाकर, बातचीत कर। बताइए रचनावादी तरीका कौन सा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में, बताओ। क्रिएटिव मेथड क्या होता है, कैसे बच्चे एक बहुत ही क्रिएटिव बन सकते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ करते ही रहे, बताओ कौन सा तरीका होता है। गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, रेखाचित्र बनाकर या बातचीत कर। देखो क्या बताया गया, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी हो, गतिविधि आधारित हो, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कैसी हो, गतिविधि आधारित हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है। क्यों करवाई जाती भैया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कारण क्या है कि बच्चे क्या बन सके, बच्चे क्रिएटिव हो सके, तो क्रिएटिव होंगे यानी कि क्या है वो सिखा रहे हैं हम बच्चों को, क्या सिखा रहे कि वो रचनावादी तरीके सीखे, तो कैसी होनी चाहिए, क्या होता है, किस माध्यम से बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, गतिविधियों के माध्यम से बनेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन में ज्ञात प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है, प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकनों द्वारा, जीवन शैली से, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। सामाजिक अध्ययन में ज्ञात प्राप्ति का स्रोत, जो भी कुछ भी आपने सामाजिक विज्ञान में अब तक आपने कोच कर लिया, उसका ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है सामाजिक अध्ययन में, प्रयोगों द्वारा, ज्ञान अवलोकनों से, जीवन शैली से, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से, बताओ सामाजिक अध्ययन। देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लाइन अभी आंसर बता रही हूँ, आप अपने मन में सोचिए, है ना, कि आपने जो सोचा है क्या वो करेक्ट है या नहीं, ऐसे आप चेक करो। सामाजिक अध्ययन किसके बारे में अध्ययन है, फर्स्ट जब हमने सामाजिक वाला स्टार्ट किया था, सामाजिक विज्ञान का स्टार्ट किया था, तभी हमने देखा था
सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या बताया जाता है? सबसे पहली बात क्या है? समाज के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाएगा? समाज के बारे में बताया जाएगा। यानी कि क्या बताया गया है कि समाज पहले कैसे था, अब कैसे है, आने वाला समय कैसे होगा। इतिहास में यही है, भूगोल में यही है, नागरिक शास्त्र में यही है, अर्थशास्त्र में भी कंपैरेटिवली स्टडीज होती है। किसमें? सोशल में, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडीज किसकी हो रही है? लाइफ कैसी है, यही पढ़ते हो ना, हरप्पन पीरियड, फिर उसके बाद में उस और भी जो हम वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड, फिर हरप्पन कल्चर्स पढ़ते हो। क्यों आप पढ़ते हो वहां पे? कि वो लाइफ कैसे जीते थे, पढ़ते हो ना। इसका मतलब क्या पढ़ रहे हो आप? आप पढ़ रहे हो जीवन शैली। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी देखोगे, नागरिक शास्त्र की दृष्टि से देखोगे, भूगोल की दृष्टि से देखोगे, या इतिहास की दृष्टि से देख रहे हो, सब में आप समाज को पढ़ रहे हो। समाज में क्या पढ़ रहे हो? उनकी जीवन शैलियों को पढ़ रहे हो। तो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है आपका? जीवन शैली है। है समझ में आया कैसे आप लोगों को रिलेट करना है आंसर को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? अब बताओ, ये तो बता ही जाओगे आप लोग। सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त, सभी बताओ। पर्यावरण के घटक कौन कौन से है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त, सभी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल जानते हैं कि उपरोक्त सभी हमारे पर्यावरण के घटक है। समाज के बारे में आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सभी पर्यावरण के घटक माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। क्यों आप जब पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, यानी कि आप ईवीएस के बारे में जब पढ़ा रहे हो, तो आप क्यों कहानी कविताओं को यूज करते हो? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। बताओ आप, इतना ज्यादा कहानी कविता क्यों यूज किया जाता है, बोला जाता है कि आप ना इसको यूज करके पढ़ाओ। क्यों भाई, क्यों यूज करें? उसका क्या रेलेवेंस क्या है? उसका रेलेवेंस ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान कर रहे हैं। देखो इस, आप लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, ऐसा चीज होता है, ये होता है, तो आप सिखा रहे हो तो उसके लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान कर रहे हो, इसलिए कहानी कविताओं का उपयोग माना गया है, किया जाना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। समझ में आया? आनंददायक क्या है, मतलब कि आनंद, मतलब उन लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो आप पढ़ाओगे नहीं क्या? पढ़ाना तो पड़ेगा, आपको सिलेबस है आपके, वो पूरा आपके सिलेबस में है तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। भाषिक कौशलों को बढ़ावा दे रहे हो? नहीं। कक्षा की विविधता की पूर्ति नहीं है कि आप कहानी कविता बताकर कि आप विविधता, मतलब कि आज देखो ऐसा तो आज ऐसा, नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो? आप संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए ये सब कर रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना है? पोषण प्रकरण का परिचय देना है। तो आप क्या करोगे? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना, तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। ये बहुत, ये यदि हम देखें कि जो हमने पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश होता है, तो विज्ञान के अंतर्गत आपके आते हैं पोषण तत्व। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन का रेलेवेंस आता है कि जो कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र इस टॉपिक में ये वाला टॉपिक आता है। तो आप लोगों को लगेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, तो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमने देखा था विज्ञान का समावेश होता है, तो विज्ञान में पोषण हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां से ये आया है। तो अब क्या करना है कि पोषण प्रकरण का परिचय देना है। तो शिक्षक क्या करेंगे?
वो बोलेंगे बच्चों को टिफिन खोल रहे हैं, सब बच्चे अपनी अपनी टिफिन खोले, उसमें भोजन को देखने के लिए कहेंगे और बाद में शिक्षक उसकी व्याख्या करेंगे। फिर पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने लगेंगे कि देखो दाल में ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, उसमें ये पाया जाता है, बताने लग जाएंगे, ठीक है, पोषक तत्व। फिर शाम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख कर देंगे, यानी कि ब्लैक बोर्ड में क्या कर देंगे, पाचन तंत्र बना देंगे। या फिर मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए कि देखो जो आजकल आता नहीं है, यदि आप डेंटिस्ट के यहाँ जाओगे तो वहां पे बना रहता है, मतलब कि रहता है, वो आप देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए या फिर प्रभावी तरीके देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बस ये आपसे क्वेश्चन है। बताओ क्या करेंगे शिक्षक, क्या करेंगे शिक्षक, क्या करेंगे बताओ, आओ देखते हैं क्या करेंगे शिक्षक। मानव दंत का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, शाम पट्ट पर पाचन तंत्र बना देंगे तो उससे भी कुछ नहीं है। पूछा गया पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक क्या करेंगे, सिंपल है ना, कि अब उनको पोषण प्रकरण का परिचय देना है तो वो क्या करने वाले हैं, बताया जाता है ना, पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ाया जाता है कि पल्सेस, पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, ठीक है, पल्सेस, मिल्क, इसका रिलेवेंस बताया जाता है कि ये इसको खाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। आपको पोषण प्रकरण के बारे में कुछ बताना है, आप उसके उदाहरणों से बताओ, बच्चा रिलेट कर लेगा, हाँ दाल तो मैं डेली खाता हूँ, दूध तो मैं डेली पीता हूँ, बच्चा रिलेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, बाकी सब गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अनुभव की आवश्यकता का ना होना, अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता, बताओ ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ज्ञान निर्माण करवाना है, अब वहां पे कौन सा कथन गलत है, अवधारणा बनाना क्या गलत होता है, नहीं, ज्ञान निर्माण होता है उससे तो। अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता नहीं होती ज्ञान निर्माण में, बिल्कुल होती है। सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती क्या, बिल्कुल होती है। अनुभव की आवश्यकता नहीं चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, ना होना, तो गलत है ना, तो ये गलत है। इसका मतलब कि आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही है, क्योंकि वो कथन गलत है, समझ में आया। ज्ञान निर्माण में अनुभव की भी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अनुभव का ना होना, चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में, बच्चे सीखें उस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका है, सक्रिय भागीदारी, सहायक, प्रेरक, मार्गदर्शक। अब तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये, तो सभी लग रहा है सभी सही है, क्या किया जाए, आओ देखते हैं। क्लोज, ज्यादा क्लोज कौन सा आंसर उसको देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बोलते ना कि आपने तो, आप बहुत ऊंची पढ़ाई करके आए हो, ठीक है, बिल्कुल आपने की हुई है, लेकिन आपको कहा किसको पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों के लेवल में जाना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप, अरे आज नहीं कल ये, तो आप क्या होनी चाहिए, आपकी भागीदारी होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, आपकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, होना चाहिए। जब आप पार्टिसिपेट करोगे हर चीज में, करके दिखाओगे बच्चों को, तब बच्चे भी और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सहायक, प्रेरक, मार्गदर्शक एक शिक्षक होते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक शिक्षक सक्रिय भागीदार बने, उनके साथ करना पड़ता है आपको। ये थोड़ी ना कि आपने, अरे देखो ये कर लेना, ये तो ऊंचे क्लास में, अभी आप ईवीएस का ये किसमें दिया गया है, प्राथमिक स्तर ना, तो प्राथमिक स्तर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो टीचर को क्या करना है, यहाँ पे सक्रिय भागी, बच्चों के साथ खेलना भी पड़ता है, नहीं खेलना पड़ता क्या, बिल्कुल खेलना पड़ता है। तो सक्रिय भागीदारी से बच्चे सीखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न कौन सा है, साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, बच्चों का चलना सीखना, सर्वथा भिन्न बताना, ठीक है। कौशल निर्माण के अंतर्गत कौन सा सबसे भिन्न है, साइकिल चलाना, बिल्कुल, तैरना, बिल्कुल, बच्चों का चलना सीखना, इसमें क्या चीज का प्रयोग हो रहा है, बॉडी, भाषा, माइंड, तो अलग क्या है, भाषा, समझ में आया,
ठीक, ये वाला कौन सा चैप्टर का है, इससे पहले वाले चैप्टर का है, ये यहाँ पे नहीं फिट बैठेगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमने कौशल वाला तो उतना कुछ देखा नहीं है, इससे पहले हमने कौशल देखा था, है ना, कौशल का विकास, तो वहां पे बैठेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है, देखना, ध्यान देना, रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है बोला गया है। कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है बोला गया है, बताओ कौन सा भाग नहीं है, कौन सा भाग, रचनावादी तरीके, रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया में कार्य, जब आप रचनावादी हो ना, यानी कि कुछ क्रिएटिव, कुछ सीख रहे हो, कुछ अपने से कुछ कर रहे हो, खुद की पहली बात तो मदद करो, जब खुद की मदद करो, कार्य करने में खुद की मदद करो, ठीक है, कार्य सहज हो जाएगा, खुद की मदद करोगे, फिर उसी प्रक्रिया का उपयोग बार बार करो, तब और ज्यादा अच्छे से सीखोगे। कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, भाग नहीं है, रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है, कार्य करने में ज्यादा जानकार, अरे क्यों, आप क्रिएटिव, आप कुछ सीख रहे हो, तो जिसको ज्यादा पता है एक बार उसे पूछ तो लो, बिल्कुल मदद नहीं मिलती क्या, बिल्कुल मिलती है, नहीं मिलती है लिखा गया है, ये बात सही है नहीं, गलत है, कुछ क्रिएटिव आप सीख रहे हो, क्यों, गाइड नहीं किया जाता क्या, बिल्कुल किया जाता है, गाइड किया जाता है, तो रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है कि मदद नहीं मिलती है, मदद तो मिल जाती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम आज के एमसीक्यू पार्ट वन को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी एमसीक्यू हम देखेंगे, केवल 10 क्वेश्चन बस नहीं है, और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आशा है कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और आप भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यदि आपको सहायक शिक्षक के लिए कोर्स ज्वाइन करना है तो स्टे ट्यून्ड विद ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज, और उसके लिए आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। कहीं पे भी कोई भी समस्या परेशानी आती है तो बिल्कुल आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे चैट सपोर्ट है, वहाँ पे भी आप मैसेज अपना ड्रॉप कर दीजिए, हमारी टीम के द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।